आज के इस टेक्नोलॉजी युग में लगभग हर क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ साथ पत्रकारिता में भी बड़ी तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में परिवर्तन का एक सफल नमूना देखने को मिला है चीन में। चीन ने हाल ही में एक ऐसे रोबोट पत्रकार को बनाया है जो एक सेकंड में लगभग 300 शब्दों का लेख बड़ी आसानी से लिख देता है। इंसानों के लिए, खासकर पत्रकारों के लिए, ये नमूना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जियानो नौ नाम के इस रोबोट पत्रकार का पहला लेख चीनी मीडिया में छप भी चुका है। चाइना ने अभी कुछ ही दिनों पहले दुनिया के पहले रोबोट पत्रकार का सफल परीक्षण किया है। जानकारी के मुताबिक जियाओ नौ नाम के इस रोबोट पत्रकार ने एक सेकंड में 300 शब्दों का लेख सफलतापूर्वक बिना कोई गलती किए हुए लिखा है। चीनी वैज्ञानिकों ने रोबो पत्रकार के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि ग्वांगझोउ के सदर्न मेट्रोपोलिस दिल्ली में इसका एक लेख प्रकाशित हुआ है। रोबो ने लेख बसंत उत्सव के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ के बारे में लिखा है। इस पत्रकार को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर खबरें आ रही हैं कि यह हर तरह की खबरें लिखने में समर्थ है। आपको बता दें कि यह रोबोट पत्रकार सिर्फ खबरें ही नहीं लिखता बल्कि उन खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा भी करता है। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ भी हैं जो ये रोबो जर्नलिस्ट इंसान पत्रकार की तरह नहीं कर सकता है, जैसे कि खबरें पहचान करना आदि। फिलहाल यह रोबो पत्रकार जियाओ नॉन किसी का इंटरव्यू भी नहीं ले सकता है।